गोला कबाब, हमने गोला कबाब, धागा कबाब और फ्राई कबाब और खीरी मंगवाई थी। ये सिमरा का हेयर स्टाइल चेक करें सबसे पहले तो, आपको कितना प्यारा बनाया है अम्मी ने आज। मेरे कभी ऑफ कैमरा क्या क्या हो रहा होता है यहाँ पर। अब मैंने किसी भी बता दी ये हेयर स्टाइल है, लेकिन वो कह रहे हैं कबाब और बोटी वगैरह। ये हर टाइम यहाँ पे कबाब वगैरह आ चुका है और बस भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है तो बस खाते हैं जल्दी से। ये देखें ज़रा ऑप्शन है बन गई तो बस खाते हैं फिर करते हैं आपसे बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई भाई। मैं यहाँ पे तो खाना पीना चल रहा है, लेकिन बोतलें देखें हमने सोलह अंकल चार सेवन अप की बोतलें लाने, उन्होंने ये ला के दे दी। ऐसा है किसी वली में भी बैठे हुए किसी के और ठूसो कबाब बोटिया बहुत मजे का। कैसा लगा? अबू तो भी खा रहे और अम्मी भी। हमने क्या क्या मंगवाया था बताओ तो। हमने गोला कबाब, हमने गोला कबाब, धागा कबाब और फ्राई कबाब, फ्राई कबाब और खीरी मंगवाई थी और वो कहते हैं बिहारी बोटी ना, बिहारी बोटी नहीं बीफ बोटी, बीफ बोटी सही है ना भाई। और मतलब मुझे तो कुछ पता है, मैंने खाई जा रही हूँ भाई। सीख कबाब भी मंगवाया था, कबाब हाँ सब मजेगा था। खीरी जी खाते तो वो नहीं खाई, बाकी तो सब खाया। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया लोगों गोला कबाब, खीरी अबू की फेवरेट, अबू की फेवरेट है खीरी, मैं नहीं और ये इतना खा रहा है क्या, धागा कबाब, खीरी, फ्राई कबाब, ऐसे करके बिल्कुल चटनी और साथ में प्याज। कैसी लगी खीरी भी खाई है ना करीने? अलग से नीचे नहीं जा रही थी, वो कहता कि बोटी को क्या हो गया रबड़ हो गई शुरू हो गया, इसको ज्यादा पसंद आ गया। सिमरन नहीं रोते, झाग क्यों बन रहा है देखा तो ये यू करके बंद इसने बोल दिया अरे बोली मैं नहीं बोलूँ जल्दी अड़ लो सबसे एंड तक के खा रही है वही ऐसी वही के बाद छोड़ के जो इन्हें वही के कबाब खाती है इसके अंदर भी ने खा लिया जल्दी खा लिया इन्होंने अब बोल रही है
इन्होंने एक प्लेट में खाया था, इन्होंने छोड़ दिया, अब बोलेंगे ना मैंने खा लिया अब चलो, कोई नहीं खाया इसमें, खाया मैंने पूरा खत्म कर लिया है। हाँ इसमें मैंने अकेले खाया वो भी गोला। अच्छा ना तो मैं ये, लेकिन ये वाली तुम्हारी थी भाई, तेरी क्या, लेकिन मैंने अपना खाना पूरा खाया है। खीरी है ये, खीरी नहीं है क्या, खीरा का, खीरी का नशा हो रहा है लोगों का, खैर खीरी की। तो भाई सभी हम आए हैं लस्सी पीने, इससे पहले भी हम लोग यहाँ आए थे लस्सी पीने, खाना हमने वहीं से खाया था वही कबाब से, और फिर हम यहाँ आए थे लस्सी पीने, तो हम आए हैं यहाँ दोबारा, और उस पर हम अंदर बैठे पीने। पिछली बार बहुत बेस्ट था क्योंकि हम 14 अगस्त पर आए थे अभी जैसे पिछले साल, तो अभी थोड़ा सूरज वगैरह नहीं है, तो अभी हम अंदर की तरफ बैठे थे और ये सब बैठी हुई हैं खवातीन हैं, मनाही ने नाक पे हाथ रखा हुआ है। क्यों ये हमने आइसक्रीम मंगवाई है, वो बन रही है लस्सी फ्रेश फ्रेश सी बिल्कुल। तो सामने हमने कहा आइसक्रीम भी ट्राई कर लेते हैं और लस्सी भी पी लेते हैं। असल में यहाँ पे हो रही है दूध की ना, खुशबू जो होती है तो वो इन लोगों को अजीब सी लग रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर अजीब गुड है। तो गाइस ये मेरी आज की लस्सी बिल्कुल इनकी नहीं है, दूध की ले रही लस्सी भी पीते हैं और वो सब बैठे हुए हैं हमारी आदि फैमिली। इतना बड़ा है कि मुझे हाथ में खाने की जरूरत है। ऑफ कैमरा क्या क्या हो रहा होता है यहाँ पे, अब मैंने किसी भी लेकिन वो कह रहे हैं दे। भाई अब इनकी जरा हम आइसक्रीम वगैरह ट्राई करते हैं। आइसक्रीम बहुत मजेदार है। चॉकलेट आइसक्रीम तो बहुत मजे की है, सच में बहुत मजे की है। ये देखिए सब आ गए अपनी जगह अपनी जगह अपनी जगह। ये देखो इतना निकालो वो लस्सी, मुझे इतना फील भी नहीं हो रहा कि मलाई आ रही है या हलवाई पीने से मतलब है। लस्सी लड़ रहे भी है कि इतनी तो उतनी एक तो खा रहे पी रहे, ये भी नहीं की कमी थी ये भी आ गए। तो यार देख सकते हैं बस रोड की फुल स्ट्रीट, तो हम एंड पर आ गए हैं काफ़ी बाहर की तरफ, लेकिन ये देखें पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह, ये देखें आप कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पूरा इलाका ही मतलब कितना पुराना है, ये बिल्डिंग्स फुल ऐसे कोई वीराने की जैसी है जिसमें लोग अब आज भी रहते हैं। My appetite, don't leave me alive.